Assalamu alaikum dear our viewers and members, I am Mohammed Siddiq, certified dermatologist and cosmetologist. और आज की जो वीडियो है वो बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आप तमाम ब्यूटिशियंस की, आप तमाम फीमेल्स के दिल की बात, और आप सबके दिल की बात क्या है, व्हाइटनिंग, व्हाइटनिंग क्रीम। क्योंकि हर रोज मुझसे ऐसी क्यूरीज आती हैं जिनमें पूछा जाता है सर कोई ऐसी व्हाइटनिंग क्रीम बताइए जो हम मार्केट से खरीद सकें, या कोई ऐसी क्रीम बताइए जो हम घर में बना सकें, कोई ऐसा फार्मूला बताइए, कोई ऐसा कुछ भी जिससे हमारी स्किन जो है वो व्हाइट हो सके। तो आप तमाम सवालों के जवाब के लिए, आप तमाम लोगों के लिए आज जो वीडियो है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाइटनिंग क्रीम कैसे बनाई जा सकती है, और वो कौन सी ऐसी व्हाइटनिंग क्रीम है जो कि नेचुरल हो और उसके साइड इफेक्ट्स भी ना हो और उसके रिजल्ट्स भी हो, प्लस वो व्हाइटनिंग क्रीम भी हो, वो सनस्क्रीन भी हो, वो बीबी क्रीम भी हो, तो ये सारी चीजें हम घर में कैसे बना सकते हैं, इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। लेकिन चूंकि ये वीडियो तीन स्टेप्स का मजमूआ होगी, तीन चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक के जो व्हाइटनिंग क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एक के जो फॉर्मुलेटेड क्रीम्स ब्यूटिशियंस बनाती हैं जो कि हम बना के लेते हैं, बनवाते हैं उनसे स्पेशली, वो क्या है, उनकी प्राइसेस क्या होती हैं और हमें कितने में मिलती है, और क्या वो हमें नुकसान क्यों देती है, इस तरह की चीजें कवर होंगी। और अगर आप मेरी वीडियो में से किसी भी एक स्टेप को अगर आप स्किप कर देते हैं तो यकीन मानिए कि आपके लिए ये वीडियो बेकार है, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं तीनों स्टेप्स लेके चलूंगा और एंड पे आपको जब मैं सारी चीज कवर करूंगा, कंप्लीट करूंगा, तो आपको मजीद तरीके से और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि क्या है, कैसे नहीं, और जो अब हम जो मैं आपको बेसिकली व्हाइटनिंग क्रीम रिकमेंड कर रहा हूं क्या वो आपको बनानी चाहिए या नहीं, या वो वाकई में काम करेगी या नहीं। तो इन चीजों के लिए आप प्लीज वीडियो मुकम्मल कीजिएगा, मैं लंबी छोटी बातें नहीं करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा पॉइंट टू पॉइंट बात करूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइटनिंग क्रीम्स की जो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि व्हाइटनिंग क्रीम्स मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और फिर हमारे लिए सबसे ईजी मतलब हम जो सबसे ज्यादा जो हमारी रसाई की चीज होती है ना, जो अप्रोच होती है वो क्या है कि वो प्रोडक्ट हमें बड़ी इजीली मिल जाती हैं, बेकरी से मिल जाती हैं, जनरल स्टोर से मिल जाती हैं, ब्यूटिशियन से मिल जाती हैं, हर जगह पे इजीली अवेलेबल होती हैं। एक तो ये उनका बड़ा अच्छा फायदा है, दूसरा फायदा ये है कि वो प्राइस में बड़ी इकोनॉमिकल होती हैं, 50 रुपए से लेकर 200-250 रुपए तक मैक्सिमम वो चल रही होती है। अब एक तो चीज मार्केट में बड़े हर वक्त अवेलेबल है, दूसरा उसकी प्राइस बड़ी रिजनेबल है, तो हम कहते हैं चल यार क्या कुछ नहीं ट्राई करना ना कर लेते हैं, तो लिहाजा हम वो ले लेते हैं। अब उन क्रीम्स में क्या होता है, उन क्रीम्स में मरकरी होती है, ठीक है, जो जहर है, उन क्रीम्स में ब्लीच इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि ब्लीच आपको पता है जहर है, और स्टीरॉइड्स होते हैं। अब ये तीनों चीजें हैं जो जहर है और जहर से बनी हुई प्रोडक्ट्स होती है, ठीक हो गया, इसलिए ये आपके लिए नुकसानदेह है, और आप लोगों में से बहुत सारे इससे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, स्किन को तबाह कर चुके हैं, क्योंकि मैं बार बार वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। दूसरी चीज है जी फॉर्मुलेटेड क्रीम्स, फॉर्मुलेटेड क्रीम्स वो क्रीम्स होती है जो हम ब्यूटिशियन से बनवाते हैं, कुछ ब्यूटिशियन जैसे जो ये वीडियो ब्यूटिशियंस भी देखेंगी तो वो ब्यूटिशियंस खुद भी बनाती हैं, और उन मेडिकेटेड क्रीम्स में क्या होता है, उन मेडिकेटेड क्रीम्स के अंदर बेसिकली पेटनोवेट होती है, ठीक है, क्लोबोवेट होती है, डर्मोवेट होती है, इसके बाद लाजमा क्रीम है, ठीक है, वो उसमें ऐड कर दी जाती है, आर्ची ऐड की जाती है, उसके अलावा मिस फाइजा होगी, मिस वाइट ब्लाबला जिस तरह की व्हाइटनिंग क्रीम्स है वो ऐड की जाती है, और इसके साथ साथ जो एवियान कैप्सूल, विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर दिया जाता है, ठीक हो गया, थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर दिया मतलब ये दिखाने के लिए कि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में ऐड है, तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात हाइड्रोकोनिन जो कि बेसिकली स्टीरॉइड है जो कि लाजमा के अंदर भी पाया जाता है, लाजमा में तीन स्टीरॉइड्स होते हैं और जो कि इंतहाई मुजर सेहत है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा मुख्तसर तारफ इसका बयान कर दूं पहले, तो अब ये जितनी भी ब्यूटिशियन इस चीज को बनाती है ना, वो ये कहती हैं कि जी जो ये इसमें हम जो चीजें ऐड कर रही हैं ये मेडिकेटेड है, ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और ये तो बड़ी अच्छी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स हैं, इनके इनके तो नुकसान नहीं हो सकते हैं, तो ये कैसे मतलब, ये तो आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, हम जो फार्मूला क्रीम बना के देंगे वो बड़ी अच्छी होगी। सबसे पहली चीज समझ लीजिए, जितनी भी मेडिकेटेड चीजों के मैंने नाम लिए हैं, अगर ये वैसे तो चार जो क्रीमें ऐड की जाती हैं, ठीक है, और मजे की बात ये कि चारों के अंदर सेम जेनेरिक होता है, सेम फार्मूला होता है, इन ब्यूटिशियन को पता ही नहीं होता ना, ये तो सिर्फ नाम देख रही होती हैं, इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में मोर देन 800 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही हैं, और अगर सपोज क्लोबोवेट है, क्लोबोवेट बेसिकली जेनेरिक नहीं है, ठीक है ना, ये हाइड्रोकोनिन एक जेनेरिक है, हाइड्रोकोनिन के आगे आपको कम से कम 400 कंपनी जो हाइड्रोकोनिन बना रही है, ठीक हो गया, तो लिहाजा एक चीज समझ लीजिए कि ये ब्रांड, ये बेसिकली चार ब्रांड की सेम प्रोडक्ट को एक ही जगह पर ऐड करती है जो कि इंतहाई नुकसानदेह चीज है। सो ये जो स्टीरॉइड बेसिकली आप एक चीज समझ लीजिए कि जितने भी इनमें
मेडिकेटेड जो ट्यूब्स डाली जाती हैं, एक तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर होता है, लेकिन हम जो जो है ना एक पार्ट इसका अलग देख लेते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि चूंकि जितनी भी इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड की जाती हैं वो नॉर्मली वो होती हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर, किसी को चोट लग जाए, किसी को कट लग जाए, किसी का कोई पिंपल्स वगैरह हो जाए, ठीक है, कोई फोड़ा पिंसी निकल आए, ठीक है, उसके लिए वो ट्यूब्स दी जाती हैं, तो वो तो ठीक है। अच्छा, इसमें जो हाइड्रोकोनिन का बेसिकली रोल है, चूंकि ये स्टीरॉयड है और ये मेलानिन और मेलाज्मा और जो पिगमेंटेशन है इसके लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। मैं आपको हकीकतन मेडिकल टर्मिनोलॉजी अगर बताऊं तो ये अफेक्टिव नहीं है, ये चूंकि स्टीरॉयड है, लेकिन बहरहाल ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और चूंकि ये ब्यूटिशियंस को पता चल चुका है, अब ब्यूटिशियंस क्या करती हैं, चार डिफरेंट ब्रांड के हाइड्रोकोनिन ही लेती हैं, उसको एक ट्यूब में डाल देती हैं, एक क्रीम में डालती हैं। किस तरह डालती हैं, वो जिनको जिन स्टीरॉइड्स को केमिकल को मशीन ने पैक किया है, हाथों ने नहीं पैक किया, उनको ये अपने हाथों से खोलती हैं और एक गंदे से जार में डाल देती हैं। वो उस जार को आम पानी से धोया होता है जो कि हाइजीन नहीं होता, एक उसमें डाल दिया, ना उनके हाथ साफ है, ना उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, ना उन्होंने हाथों के ऊपर ग्लव्स पहने, ना उन्होंने फेस मास्क कुछ पहना है, हाथों से कर रही होती है। दूसरा वो उसमें क्या करती हैं कि व्हाइटनिंग के लिए कोई मिस व्हाइट होगी, फाइजा क्रीम होगी, या मतलब कोई भी जो नॉर्मली मार्केट में व्हाइटनिंग क्रीम्स मिलती हैं, एक स्पून वो डाल देती है। इसके साथ साथ इसके अंदर वो विटामिन ई का कैप्सूल डाल देती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हम बना लें मिसाल के तौर पर, तो ये ज्यादा से ज्यादा भी 400 या 500 रुपए की ये मेडिसिन बनती है, ठीक है। अब वो 400 से 500 रुपए की मेडिसिन आपको जब वो क्रीम बना के देगी तो वो 5000 रुपए, 4000 रुपए, 3000 रुपए, 2000 रुपए, ये 2500 रुपए देगी, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना, मैं मकसद इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको हर जो स्टेप है वो समझ आ जाए। अब आप देख लीजिए कि जो सस्ती क्रीमें आप ले रहे हैं मार्केट से वो तो आपको नुकसान दे रहे हैं बिकॉज उनमें 3 जहर है। इसी तरह जो फॉर्मुलेटेड क्रीम्स आप बनवा रहे हैं वो भी जहर है, क्योंकि जितनी भी क्रीम्स ये ट्यूब्स होती हैं ये डॉक्टर जब रिकमेंड करता है वो कहता है 5 दिन लगाना, 7 दिन लगाना, 10 दिन लगाना, बिकॉज इनके ड्यूरेशन है, इससे ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना फिर नुकसान होता है। अब आप वो 500-600 रुपए की क्रीमें, 500-600 रुपए की मेडिसिन बेसिकली 2500-3000 से 5000 रुपए के दरमियान में उनसे ले लेते हैं और सारी जिंदगी फिर लगा लगा के अपनी स्किन को तबाह कर। आज मैं जो आपको कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि व्हाइटनिंग क्रीम आप कैसे बना सकते हैं, वो व्हाइटनिंग क्रीम जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, जिसकी वजह से कोई इंफ्लामेशन ना उसमें हो, कोई उसमें जरासीम ना जा सके, और जब आप उसको इस्तेमाल करें तो वो आपको फायदा दे बल्कि नुकसान से बचाए, ठीक हो गया। तो ऐसी क्रीम तो हर बंदा चाहेगा, तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्रीम कैसे बनेगी। इस क्रीम के लिए हमें क्या चाहिए, वो चीजें आप अपनी स्किन पे जरूर देख लीजिएगा। पहली चीज हमें चाहिए मोनसा की सनस्क्रीन, मोनसा ब्रांड ऑफ ताइवान, इसकी सनस्क्रीन हम लेंगे, क्योंकि इसकी सनस्क्रीन 3 क्वालिटियां अपने अंदर रखे हुए हैं। पहली क्वालिटी यह है कि यह 100% नेचुरल है। दूसरी क्वालिटी यह है कि यह सनस्क्रीन है और यूवीए और यूबीए प्लस 50 SPF है। तीसरी क्वालिटी इसकी क्या है कि इसके अंदर बीबी क्रीम है, और सॉरी चौथी क्वालिटी इसमें क्या है कि ये व्हाइटनिंग एजेंट है, इसके अंदर व्हाइटनिंग भी करने की एबिलिटी है, और चूंकि ये नेचुरल है इसलिए हम इसको यूज करेंगे। दूसरी चीज जो हम यूज करेंगे वो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, हम मल्टी फंक्शनल रेजुवेशन लोशन यूज करेंगे जिसका दूसरा नेम एंटी एजिंग फेशियल टोनर है। मल्टी फंक्शनल रेजुवेशन लोशन बेसिकली 9 काम करने की सलाहियत रखता है, जिनमें से एक यह है कि यह मॉइस्चराइजेशन करेगा, दूसरा यह है कि यह एंटी एजिंग है, तीसरा यह है कि यह आपके वाटर रिटेंशन सिस्टम को रिपेयर करेगा, चौथा यह वाइटनिंग करेगा, पांचवा यह आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। 4 एडिशनल है वो बाद में बात करेंगे। अच्छा, तीसरी प्रोडक्ट जो आपको इसके लिए चाहिए वो है रोज लिविंग टोनर, ठीक है, रोज लिविंग टोनर भी मोनसा का ही आपको चाहिए। अच्छा, अब यहां पे 2 चीजें होंगी, अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन हेल्दी है, आपकी स्किन ऑयली है, आप सिर्फ व्हाइटनिंग चाहते हैं, तो आप 2 क्रीम्स इस्तेमाल करेंगे, एक सनस्क्रीन और एक मल्टी फंक्शनल रेजुवेशन लोशन जो है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस है, अगर आपने कोई केमिकल्स इस्तेमाल किए हुए थे तो फिर आप उसमें रोज लिविंग टोनर भी ऐड कर देंगे। यहां तक हमारी क्रीम रेडी है। अब ये सनस्क्रीन जो है, आप चूंकि इसको देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पैक है, इसको मशीन्स पैक करती हैं और ये फिनिश फॉर्म में पाकिस्तान में आती है, लिहाजा इसमें ह्यूमन इंफ्लामेशन या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इंफ्लामेशन नहीं हो रही।
आप इसको अपने गंदे हाथ नहीं लगा सकते, आपने जैसे इसको खोलना है, प्रेस करना है, तो जरूर की क्रीम जो प्रोडक्ट बाहर आएगी, एक्स्ट्रा बाहर नहीं आएगी, जरा सीम से ये प्रोडक्ट महफूज है। और दूसरी चीज है मल्टी फंक्शन रेजुवेशन लोशन, जो कि बेसिकली एंटी एजिंग फैशियल टोनर के नाम से है। ये दो चीजें तो आपने लाजमन यूज करनी है, लेकिन तीसरी एडिशनल जो मैंने आपको बताया था रोज लिविंग टोनर है। अब मैं चूंकि ये आपने बनाने कैसे है इसका तरीका बताऊंगा, क्योंकि करीम ये तो आपको हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम बनाने का तरीका देखेंगे, और सिर्फ बनाने का तरीका नहीं होगा, इसमें मैं आपको बकायदा इंप्लीमेंटेशन दिखाऊंगा, इसको अप्लाई कैसे करना है फेस के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, इस क्रीम को बनाने का तरीका यह है कि चूंकि जो गलती बाकी ब्यूटिशियंस करती हैं वो क्या होता है कि आपकी क्रीम्स वो बेसिकली मेडिकेटेड ट्यूब्स लेती हैं और उनको गंदे हाथों से गंदे जार में गंदे एटमोस्फियर में पैक कर देती हैं, और चूंकि सारे के सारे केमिकल्स, और जब केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसीलिए जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पर आपको फायदा और उसके बाद आपकी स्किन को तबाह कर देते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस क्रीम में इन तीनों प्रोडक्ट्स को इनकी अपनी ओरिजिनल पैकिंग में ही रहने देंगे, हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमने सुबह और शाम इसको इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल का तरीका क्या होगा, आप चेहरा धो लीजिए किसी भी साबुन से, डव सोप से, इंपीरियल लेदर से, या लक्स से धो लीजिए, फेस वॉश यूज ना कीजिएगा। और आपने करना यह है कि ये देखिए कि ये लिक्विड फॉर्म में बेसिकली ये प्रोडक्ट है, आपने इसको अच्छी तरह से हाथ पे डाल लिया। अब आप इसको ये समझ लीजिए कि ये हैंड और फुट के लिए, हैंड और फेस दोनों के लिए है। आप इसको ऐसे रब कर लेंगे जैसे कि आप पानी से हाथ धो रहे हैं। ये देखें, मैंने सबसे पहले इसको अपने हैंड्स के ऊपर अप्लाई कर लिया। हैंड्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको स्प्रेड कर लिया, और इसकी मजीद क्वांटिटी आप लेंगे, ठीक है, इस तरह से आप अपने हथेली पर डालेंगे और दोनों हाथों को यूं रब करके, और आप अपने फेस के ऊपर यूं इस तरह से आप इसको बिल्कुल जेंटल सा लाइट सा मसाज करके आप इसको यूं वेट कर लेंगे। याद रहे कि आपने इसको प्रॉपर ड्राई नहीं करना, आपने जस्ट फेस को वेट करना है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे ही वेट हो जाएगा उसके बाद हम अपनी सेकंड प्रोडक्ट लगाएंगे। अब ये याद रखना है कि ये देखिए मेरा फेस बिल्कुल अपने हमारे जो मल्टी फंक्शन रेजुवेशन लोशन उससे ऑयली है, ड्राई नहीं किया मैंने, प्रॉपर अब्सॉर्ब नहीं किया। अब हम क्या करेंगे कि हथेली के अंदर आप सनस्क्रीन ऐड कर लेंगे, और बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी, ठीक है, बिल्कुल इतनी कि जितना आप मतलब समझ लीजिए कि राउंड अबाउट कोई शायद मकई के दाने से भी कम, ठीक है, इतनी क्वांटिटी आप इसकी अप्लाई करेंगे। और आपके मेक श्योर करना है कि आपके हाथ वेट होने चाहिए, किस से, लोशन से। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो चुका है तो आप इसमें मजीद दो तीन ड्रॉप्स और ऐड कर लीजिए ताकि ये वेट रहे। अब आप इसको अपने हथेली के ऊपर यूं स्प्रेड करेंगे, और ये चीज बिल्कुल जेंटल से मसाज करेंगे, आप कोई इसमें इसको फोर्स करने की जरूरत नहीं होगी। ये देखिए, और मजे की चीज ये है कि चूंकि नेचुरल है, आप अपनी आईज के ऊपर भी इसको अप्लाई करिए बेफिक्र होके। तो इस तरीके से आपकी व्हाइटनिंग क्रीम तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आपने अपने फेस के ऊपर और अपने हाथों के ऊपर इसको अप्लाई करना है सुबह और शाम। लिहाजा आप इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करिए, आपको इससे फायदे क्या होंगे, ये आपकी स्किन को व्हाइटनिंग करेगी, आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रोवाइड करेगी, मॉइस्चराइजेशन रखेगी, और आपकी स्किन बिल्कुल व्हाइट होने के साथ साथ प्रोटेक्टिव भी रहेगी। अब तीसरी जो प्रोडक्ट मैंने बताई थी रोज लिविंग टोनर, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी जान लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि जब हमने नॉर्मल स्किन के लिए ये जैसे हमने बताया कि मैंने अभी आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया हमने लगाई, सेम इसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे। लेकिन होगा ये कि सबसे पहले अगर आपकी स्किन रेड हो रही है, अगर आपकी स्किन के ऊपर रैशेज आ रहे हैं, अगर आपकी स्किन किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से डैमेज हो चुकी है, या अगर आप धूप में जाती हैं और आपकी स्किन डैमेज होती है, आपकी स्किन रेड होती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगी, आप इस्तेमाल करेंगे रोज लिविंग टोनर। क्योंकि ये स्प्रे फॉर्म में है और हमारी बहुत सारी ब्यूटिशियंस इसको जानती भी हैं कि हम इसको जस्ट स्प्रे करेंगे, तो ये आपने फेस के ऊपर स्प्रे किया, आपने अपने हैंड्स के ऊपर स्प्रे किया, और इसको आपने फिर अच्छी तरह से टैप कर लिया। सपोज आपने फेस के ऊपर इसको कर लिया, देन आप इसको लाइट सा
टैप करेंगे, टैप करने के बाद ये रहेगा वेट ही, इसको खुश्क नहीं होने देना। जैसे ही अभी गीला हो वेट हो तो मल्टी फंक्शनल रेजुवेशन लोशन जो है वो आप अपने हथेली पे डाल के सेम लाइक जैसे मैंने पहले किया था करके देन अपने फेस के ऊपर आप उसको उसके एप्लीकेशन कर लेंगे और देन फिर वेट हैंड्स के साथ और वेट फेस के साथ ही आप सनस्क्रीन अप्लाई करके आप इसको रब करके और पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। और ये घर से बाहर जाना हो या ना जाना हो, आपने किसी इवेंट में जाना हो, आपने किसी पार्टी में जाना हो, किसी भी लिए बाहर शॉपिंग के लिए जाना हो, तो आपको किसी बीबी क्रीम किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिंपली इन दो प्रोडक्ट्स को या तीन प्रोडक्ट्स को आपस में डेली बेसिस पे एट द सेम टाइम मिक्स करिए और अप्लाई करिए। आपकी व्हाइटनिंग क्रीम 100% हाइजीन है, आपकी व्हाइटनिंग क्रीम 100% प्रोटेक्टिव है, आपकी व्हाइटनिंग क्रीम जो वो 100% रेडी है आपको फायदा देने के लिए, ना कि आपकी स्किन को तबाह करने के लिए। अब चूंकि सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो इसकी प्राइस मैटर करती है, तो नॉर्मली आप जितने भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, अपना जो कैश वेस्ट कर चुके हैं, उसकी निस्बतन इसकी प्राइस ना होने के बराबर है। इसमें जो दो प्रोडक्ट्स नॉर्मली यूज होंगी, एक तो है सनस्क्रीन जो कि 1185 रुपए की है और दूसरा है मल्टी फंक्शनल रेजुवेशन लोशन जो कि 780 रुपए का है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव या डैमेज है तो फिर आपको 910 रुपए का रोज लिविंग टोनर ऐड करना पड़ेगा। और बिलीव करिए मेरा नहीं ख्याल है कि इससे बेहतरीन और इससे ज्यादा अफेक्टिव सनस्क्रीन या जो व्हाइटनिंग क्रीम है वो आपको मार्केट में कहीं से मिलेगी। और सबसे बड़ी गारंटी जो मेरी है वो ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। मैंने अपने फेस के ऊपर इसलिए डेमोस्ट्रेट करके दिखाया बिकॉज मैं पर्सनली अब इसको खुद यूज कर रहा हूँ। और आप लोगों को बता दूं कि मेरी ब्यूटिशियन, मेरे तमाम जो कलीग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैंने इसको बकायदा ट्रायल के बाद ही आपसे ये शेयर कर रहे हैं। ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई ट्रायल नहीं है, ये बकायदा स्टडी करने के बाद इसको बड़े जिसे कहते हैं परफेक्शन के साथ हमने इसको लॉन्च कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, सवाल के मतलब इस प्रोडक्ट के साथ क्लिंजिंग कौन सी यूज करनी चाहिए, इस प्रोडक्ट के साथ साबुन कौन सा यूज करना चाहिए, इसके साथ अगर कोई क्लिंजर यूज करना है तो कौन सा कर सकते हैं, वो सवालात आपके जहन में अगर है तो प्लीज यूट्यूब पे कमेंट कीजिए या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल या एसएमएस करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।